YTF का मकसद है कि हमारे तिपरासा दोफा को लाइन में रखने के लिए और बोलने के लिए कि जो गांव गांव में झगड़ा हो रहा है वो बंद करने के लिए। YTF हमारा फ्यूचर है, यूथ तिपरा फेडरेशन हमारा फ्यूचर है। अगर हमारा यूथ मेरे संग है, अगर हमारा यूथ हमारे संग कमिटेड है, तो मैं आपको गारंटी देके बोल सकता हूँ कि नया दिल्ली हम लोग का बात सुनेगा। दिल्ली को हमको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यूथ और वेमेन का पावर है। इसके लिए मैं YTF को बहुत स्ट्रांग देखना चाहता हूँ। मैं YTF में ग्रुपिज्म नहीं देखना चाहता हूँ, और मैं एक ऐसा टीम बनाना चाहता हूँ जो मेरे बाद भी अगला 15-20 साल त्रिपुरा में अच्छे तरीके से शासन करे तिपरासा दोफा के लिए। इसके लिए मैं YTF को बोल रहा हूँ, जो लोग बदल नहीं सकते उनको बदलने का कोई दरकार नहीं, लेकिन यूथ अगर बोबाकरा के संग है, वेमेन अगर बोबाकरा के संग है, तो मैं भी आपके संग हूँ। इसके लिए मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, मैंने सिर्फ दोफा के लिए सब मांगा है। मैंने भी सेक्रीफाइस किया है। मैं चाहता हूँ कि आप और मैं एक संग होकर आगे बढ़े। आप लोग ब्लॉक ब्लॉक में प्रोग्राम करो, आप लोग डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम करो, और हमारा ग्रेटर तिपरा का जो सपना है, जो मेरा सपना है, जो हमारा दोफा के लिए एक हमारा कोशिश है, उसको आगे ले जाओ। और हम लोग 100% सक्सेसफुल होगा अगर हम लोग कमिटेड रहे और अपने लोगों को हेल्प किया हमने। अगर हम लोग ने ज़्यादा पॉलिटिक्स किया और नेतागिरी किया, तो हम लोग भी दूसरी पार्टी जैसे हो जाएंगे। ये मेरा मैसेज सबको है, प्लीज़ को आप शेयर कीजिए। ये मेरा मैसेज आप सबको है, इसको शेयर करके मेरा जो आइडियोलॉजी है, जो पोइला जाति उरोबो जाति का आइडियोलॉजी है, उसको लेकर आगे बढ़ो। दूसरा पॉलिटिकल नेता जो डिवाइड एंड रूल करता है, उनके साथ रहने का और सुनने का आप काम मत करो। बोबाकरा आपके साथ है, आप बोबाकरा के साथ रहो। बेलाइनो हम बाय। थैंक यू।